हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ टेक न्यूज, जो कि करंट टेक न्यूज। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियो बने इस टेक न्यूज के ऊपर। तो आइए डिस्कशन करते हैं। वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक। इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 100 लाइक कर दोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइव जी इंटरनेट हमारे इंडिया में लॉन्च होने से पहले लॉन्च होने जा रहा है रियलमी का X50 Pro, और साथ में एक और फोन है IQ3। तो यानी कि आपको 5G नेटवर्क से पहले आपको 5G यूज करने के लिए मिलेगा तो नहीं है, बट उसका खांचा बना रहेगा। जब भी 5G हमारे इंडिया में आ जाए तो उस बीच हमारे उस खांचे के अंदर 5G का सिम डल जाएगा। बट अभी फिलहाल हम धक्का मार के 3G 4G का वहीं पेलते रहेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, रियलमी लेके आ रहा है X50 Pro, साथ में IQ3 लेके आ रहा है, साथ में एक चाइनीज कंपनी सब यहाँ पे बवाल करने वाला है, और इसके साथ पीछे पीछे आ रहा है मिमिक्स अल्फा जो है Xiaomi का, ये भी शायद आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 24-25-26 इसी बीच में आपको देखने को मिल जाएगा इन सारे फोन का। देखते हैं कितने प्राइस में लेके आते हैं। क्या आप लोग ये भी सोच रहे होंगे दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास 5G फोन है, बट आप यूज कर रहे होगी वही 4G। ठीक है, अभी थोड़ा देख के संभल के लेना। जब आप बहुत सारे फोन बहुत सारे कंपनियां लेके आ जाए 5G के ऊपर, उस बीच आप परचेस करने जाना, बट अभी फिलहाल सोच लेना लोगों को दिखाने के चक्कर में कि आपने जेब ढीले ना हो जाए। दोस्तों ये अभी अगला न्यूज निकल के आता है ओप्पो की तरफ से। उसने कुछ डिवाइस के ऊपर, जो थी हाई रेंज डिवाइस जो कि ज्यादा प्राइस वाला हो या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन अगर जिसमें ज्यादा हो, उस फोन के लिए लेके आ रहा है कि अभी फिलहाल जो कि ट्रायल वर्जन में ColorOS 7 लॉन्च कर दिया है। हो सकता है उसके अंदर कुछ बेटा प्रीव्यू हो, और अगर इन्होंने कुछ अपडेट करके बताया कि हाँ इसके अंदर ठीक ठाक सा है कुछ है, तो फिर इसके बाद सारे फोन को रोल आउट किया जाएगा। ये काफी बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है न्यूज निकल के आ रहा था ओप्पो जो है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा ColorOS 7। भाई रिलायंस जियो ने एक प्रीपेड प्लान लेके आ रहा है जिसका दाम है 2121। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, चटपटा सा लग रहा है 2121। अरे यहाँ पे 2020 कर देता है, क्या फर्क पड़ जाता है। हाँ ठीक है, 2121 लेके आ गया, साथ में 504 GB का डाटा दे रहा है, 504 GB। आप कमेंट करके जरूर बताना कि 504 GB डाटा कितने दिन में खत्म। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 10 की अपडेट नहीं आया है, बट इस बीच में गूगल ने तहलका मचा के अंदर घुसते हुए आया है एंड्रॉइड 11 लेके। इसका फर्स्ट जो डेवलपर प्रीव्यू आपको देखने को मिला है काफी इंटरेस्टिंग है। पिक्सल फोन के अंदर या कुछ ऐसे 2-3 यूजर जो है MI A3 के ऊपर भी टेस्ट किया है, बट उसको वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे भी 2-4 बंदों ने मैसेज किए थे कि भाई इसके ऊपर एक टेस्ट करके बताओ, बट मैं अभी मेरा अपना फोन को खराब करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है फर्स्ट स्टेज में है, तो यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ ये सब वर्क नहीं कर रहा है, और फोन के अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपके पास प्राइमरी फोन है, यानी कि अलग से एक फोन है जो कि आप MI A3 को टेस्ट में लगा सकते हो। डेवलपर प्रीव्यू है, काफी बढ़िया लग रहा है एंड्रॉइड 11, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल फोन के अंदर एंड्रॉइड 10 के अपडेट अभी तक, खास करके जिस फोन के बहुत सारे फोन में एंड्रॉइड 10 के अपडेट नहीं है। दोस्तों अगला न्यूज जो है एक VU कंपनी का है जो कि यहाँ पर 10,000-10,500 अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगा 32 इंच का जो कि LCD या LED TV। ये काफी बढ़िया होने वाला है, इतना सस्ते में आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे OnePlus T7 की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रहा है। यहाँ पर जनवरी सिक्योरिटी पैच के साथ OxygenOS का लेटेस्ट 10.3.1 जो अपडेट है, ये जनवरी सिक्योरिटी पैच अभी रोल आउट स्टार्ट हो गया। कौन कौन ऐसा यूजर है हमारे यहाँ व्यूअर्स है जिनको OnePlus फोन अच्छा लगता है, बट इसके कारण आप परचेज नहीं कर पा रहे, भाई उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हमारे पास भी OnePlus का कोई ना कोई फोन होगा। कमेंट करके जरूर बताना OnePlus आपके लिए अच्छा लगता है या आईफोन अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला न्यूज निकल के आता है MI A3 की तरफ। बहुत सारे यूजर ने मुझे ट्विटर पर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जहां जहां सोशल नेटवर्क पे मेरा आना जाना लगा रहता है वहां पर सवाल किया, और मुझे भी काफी परेशानी होता है यार अभी तक अपडेट नहीं आया। बट यहाँ पे जो न्यूज निकल के आता है, कई सारे ब्लॉग पोस्ट वगैरह करते रहते हैं कि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे एंड्रॉइड 10 की अपडेट नहीं दे पा रहा है MI A3 में जो कि इंडिया में। भाई कोई फटाक से निकल के आता है, कुछ स्क्रीन ऐसे निकल के आ जाता है स्क्रीनशॉट के, हाँ यहाँ पे 1200 कुछ समथिंग यानी कि MB का कुछ अपडेट मिला है। थोड़ी देर पहले ही कोई यूजर ने ऐसे मैसेज किया था कि किसी कंट्री में ये अपडेट मिला है, बट मैं कहना चाहता हूँ ये सब फेक न्यूज है, एक हाइप करने के लिए चीजें को ऐसे ही बताया जा रहा है, बट अभी फिलहाल अपडेट का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि Xiaomi को नया फोन लॉन्च करने
नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में वहां पे कोरोना वायरस नहीं लगता। तो ये चीज पता नहीं एक बाह्य चीज लेके आता है जो कि कई सारे न्यूज रूमर्स निकल के आता है। कल ट्विटर पे Xiaomi फ्रांस की तरफ से आया कि ये अपडेट कुछ मिल गया है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद पता चला ये एक फेक न्यूज था, यानी कि रियल में वो MI A2 के लिए जो मिला था उसके चीजों में उसके कुछ एडिट करके किसने ऐसे पोस्ट कर दिया। कोई फिक्स नहीं हो पाया क्योंकि जब तक Xiaomi की तरफ से कोई पहले बोल रहे थे मिड फरवरी, अब कह रहे हैं 28 तक वेट कर लो। भाई यहाँ पर बहुत सारे यूजर आते ही तुरंत और कुछ नहीं करते, जो भी वीडियो बनाते हैं या कोई भी पोस्ट करते हैं सीधा उठ के भाई बताओ ना यार कब आएगा Android 10 का अपडेट। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको परफेक्ट यानी कि स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको मार्च 15 तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर रियलमी की तरफ से एक और खबर निकल के आ रहा है जो कि रियलमी X और रियलमी 5 Pro को Android 10 के साथ रियलमी UI का अपडेट रोल आउट हो जाएगा फरवरी के लास्ट वीक में। काफी अच्छे से बात, काफी मजे से बात है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कौन सा ये फोन यूज करते हैं। तो भाई मेरे पास तो रियलमी X2 है, अब मैं मार्च फर्स्ट वीक में मिल जाएगा रियलमी UI, बट उससे पहले मैं तो यूज कर ही रहा हूँ रियलमी C3 के अंदर रियलमी UI विथ Android 10, वो काफी मजेदार है। और मैंने एक खास फीचर्स के बारे में एक रियलमी UI के लिए वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक। दोस्तों क्या आपको पता है कि दिन ब दिन जितने सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं खास करके गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ पर 600 एप्लीकेशन को गूगल ने कर दिया है छुट्टी। दोस्तों यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है इतना नाम तो मुझे पता नहीं चलता, बट वो थोड़ा सा फ्रॉड टाइप का था, कुछ गलत ऐसे बकवास वाले एडवर्टाइज करके जो अर्निंग करते थे उस एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। भाई माफ करना अगर जिसके पास ये एप्लीकेशन है आप अगर बंद हो गया तो दूसरा कुछ रास्ता देखो, क्योंकि फेक न्यूज फैलाने वाले या फालतू के एडवर्टाइज क्लिकबेट कराने वाले उनका खैर नहीं है, गूगल ने अब सख्त। बस इतना ही कहूंगा, देखते रहिए वीडियो और पसंद आता तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पर अगर नए विजिट किए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अनसब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों में शेयर करिए। आने वाले टाइम में ऐसे डे बाय डे आपको देखने के मिलेगा नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए नए टिप्स एंड ट्रिक के बारे में कुछ आप कोशिश करेंगे। अब शुरू कर दिए हैं तो खत्म करने का नाम नहीं है, आने वाले टाइम में देखते हैं कुछ अच्छे करके दिखाएंगे। बस ये था आज की वीडियो, मिलेंगे नमस्कार, तब तक बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।